नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। PFI के रडार पर थे RSS और BJP के कई दिग्गज नेता। सूत्रों के अनुसार बीदर SP किशोर बाबू IPS के नेतृत्व में हुमनाबाद में दो PFI कार्यकर्ता को सुबह 4 बजे हिरासत में लिया गया। बागलकोट पुलिस ने सुबह 7 PFI और SDPI कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। अमित शाह के दौरे में बदलाव, 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे। PM मोदी 29-30 सितंबर को 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या दौरे पर। आम आदमी पार्टी नेताओं को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने LG के खिलाफ अमर्यादित पोस्ट हटाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट का ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में कमर्शियल गतिविधियों पर रोक का आदेश। मध्य प्रदेश भोपाल में PFI के 21 सदस्यों को हिरासत में लिया। राजस्थान संकट के बीच दिग्विजय सिंह ने दिए कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के संकेत। PM मोदी ने टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश मेरठ से लेकर बुलंदशहर तक PFI के ठिकानों पर ATS की छापेमारी। दिल्ली शाहीन बाग से जामिया तक PFI के ठिकानों पर NIA के छापे। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं, कमलनाथ ने कहा। ईरान की महसा अमीनी के मौत के जिम्मेदारों पर कनाडा लगाएगा प्रतिबंध। नेपाल माउंट मानसलू के बेस कैंप में हिमस्खलन, एक पर्वतरोही की मौत सहित 12 घायल। एस्ट्रॉइड से टकराया नासा का स्पेसक्राफ्ट मिशन सफल। शिंजो अबे के राजकीय अमित संस्कार में शामिल होने के लिए PM मोदी जापान पहुंचे। कांग्रेस के पर्यवेक्षक राजस्थान संकट पर आज दोपहर सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे। BJP दफ्तर में आज नए प्रदेश प्रभारियों के साथ करेंगे JP नड्डा। कनाडा 1 अक्टूबर से यात्रा से जुड़े सभी कोविड संबंधी प्रतिबंध हटाएगा। शिकागो पुलिस दफ्तर के अंदर गोलीबारी, अधिकारी समेत 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मामले आए, एक्टिव केस की संख्या 372 हुई। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल 28 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। अंकिता केस, अयाशी का अड्डा था रिजॉर्ट, बाहर से लाई जाती थी लड़कियां, पूर्व महिला कर्मचारी ने खोली पुलकित की पोल। तमिलनाडु DMK सांसद राजा के विवादीय बयान पर पुडुचेरी में 1 दिन का बंद। दिल्ली में गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई, बैठक में NIA के DGIB चीफ और ED के DG शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के सम्मान। आलिया भट्ट के सोने की आदत से परेशान है रणबीर कपूर, सीक्रेट शेयर करते हुए बोले बेड भी छोटा पड़ जाता है। गहनों से लदी अप्सरा सी सुंदर दिखे ऐश्वर्या राय बच्चन, सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पाए को स्टार। विकी और कैटरीना की शादी का इनवाइट नहीं मिलने का करण जौहर को है मलाल, बोले ये मेरे लिए शर्मनाक था। बॉक्स ऑफिस पर अंधे मुंह गिरी सनी देओल की फिल्म चुप, चौथे दिन निराशाजनक कमाई। 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में गिरफ्तार महाठग सुकेश चंद्रशेखर के तार लगातार फिल्मी सितारों की जुड़ते जा रहे हैं। बीते दिनों इस मामले में साउथ सिनेमा की 2 अभिनेत्री निक्की तांबोली और सोफिया सिंह का नाम सामने आया। KP एक्सप्रेस में इतना ही, देखते रहिए KP न्यूज़ 24x7। धन्यवाद।